हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ जो मैंने विंटर में कटिंग लगाई थी रोज़ प्लांट की, देसी रोज़ की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट है रोज़ का, इसकी मैंने कटिंग लगाई है। ये भी देसी है, पिंक कलर का। और जो मेरा रेड कलर का है वो भी मैंने लगाई है। दोनों ही कटिंग मैंने लगाई दोनों प्लांट में से, और जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी सब सक्सेस हो गई हैं। तो मैंने वो स्टार्टिंग में ही लगाई थी, जैसे कि अक्टूबर में जब हम प्रूनिंग करते हैं प्लांट की, तो जो वो कटिंग निकली थी तो फिर वो मैंने ग्रो कर ली और वो पूरी ही ग्रो हो गई हैं। तो बस आज मैं उनको रिपोर्ट करूँगी। बहुत हेल्दी सी हो गई हैं, अब छोटे पॉट में वो लगी हुई हैं, छः कटिंग हैं तो छः की छः ग्रो हो गई हैं। तो बस उन्हीं को मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि अब जो टाइम आएगा तो उसमें क्या है कि वो चल नहीं पाएंगे एक साथ। तो मैंने लास्ट ईयर भी ग्रो करी थी, तो वो क्या एक साथ ही मैंने पूरी गर्मियाँ छोड़ दी और फिर वो कुछ कटिंग उसमें ख़राब भी हो गई थी। तो इसलिए मैं उनको चाहती हूँ कि अलग अलग कर दूँ, उनको रिपोर्ट कर दूँ। तो उनको छोटे पॉली बैग जो हैं उनमें एक एक पॉली बैग में एक कटिंग मैं लगा दूँगी। तो बस वही मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए वाइट रोज़ में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, और ये देखिए बर्ड्स तो कितनी सारी बनी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी भी रोज़ की कटिंग ग्रो करी है, और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं, कितनी सारी शूट्स इसमें निकली हुई हैं। ये देखिए आम बिल्कुल हेल्दी हेल्दी हैं, और जितनी भी मैंने कटिंग लगाई है सारी ही ग्रो हो गई है। मैंने इनको बिल्कुल ये पौधे जो है ना इनकी छाया में रखी हुई है। तो ये देखिए, और इसको रोज़ पानी से मैं हल्का सा शावर कर देती हूँ और पानी दे देती हूँ हल्का सा, ज़्यादा वो गीला भी नहीं करती हूँ, बस मिट्टी को मॉइस्ट रहने देती हूँ। तो इस टाइम भी आप लगा सकते हो। तो ये भी देसी रोज़ की ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ग्रो करी है अक्टूबर में वो कटिंग है। तो इस तरह से मैंने इसी पॉट में रखी हुई थी, और ये फाइकस का प्लांट है जिसकी छांव में मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। इसको विंटर में धूप में मिल जाती थी यहाँ पे, और छांव भी है, और जो मिट्टी में मैंने रखा हुआ था, ये देखिए ये 2 से 3 इंच का ही पॉट है, इसमें मैंने लगाई है। तो इस पॉट में मैंने ये रखी हुई थी, और ये देखिए कितनी पता चल रहा है साफ कि यहाँ कितने टाइम से ये पॉट रखा हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए नीचे इसमें शूट्स भी दिख रही हैं, रूट्स वगैरह बनी हुई हैं। तो बस इन्हीं को मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये देखिए कितनी हेल्दी सी हैं कटिंग, और एक में तो फ्लावरिंग भी हो गई थी, वो मैंने कट कर दिया खिलने के बाद, थोड़ा मुरझाने लगा तब। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी सी कटिंग मेरी रेडी हो गई है। तो अब मैं इनको, ये देखिए कितनी सारी कटिंग है इसमें, सारी एक भी कटिंग ख़राब नहीं हुई मेरी, सारी ग्रो हो गई हैं। तो बस इन्हीं को मैं आज अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी मैंने डाली हुई है, तो इसको काफ़ी टाइम से धूप लगी हुई है मिट्टी को, तो इसमें जो भी कोई फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो गई होगी। और इसमें मैं डालूंगी ये किचन वेस्ट, लिप कंपोस्ट है, किचन वेस्ट तो नहीं। तो ये देखिए इसमें ये इस टाइम जो होती हैं बिल्कुल गल गई हैं, उनको बिल्कुल सॉफ्ट आई हैं। तो इस तरह से ये लिप कंपोस्ट जो है इसमें मिक्स करके, और थोड़ा सा मैंने बदरपुर जो रेता होता है वो डाला हुआ है, मतलब कि पहले से ही मेरी मिट्टी में था तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने ये किचन कंपोस्ट, ये सॉरी लिप कंपोस्ट ही मैंने इसमें डाला है। तो बस इसी तरह से ये छोटे पॉली बैग हैं, इनमें मैं इनको लगा दूँगी। तो मिट्टी में भर लेती हूँ मिक्स करके खाद थोड़ा सा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने फिल कर दिया इसमें मिट्टी, और मैंने ये आधे आधे ही भरे हैं। अब इनमें मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूखी है, इसलिए पानी डालूँगी इसमें, फिर इसमें मैं प्लांट को लगाऊंगी, फिर ऊपर से ये फिर से सूखी मिट्टी डालूँगी, फिर पानी डाल दूँगी। तो क्या है कि रूट्स जो है ना हिलेंगी नहीं, और बिल्कुल सूखी मिट्टी में लगाऊँगी तो पानी जब डालूँगी ना पूरी रूट्स हिल जाएंगी। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कटिंग के साथ, क्योंकि अब आने वाला मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो मेरी कटिंग कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बस इनको मैं लगाने के बाद किसी पॉट में ही रख दूँगी, बड़े पॉट की मिट्टी में, जैसे मैंने कटिंग लगा के रखी थी वैसे ही। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी फिल करी है मिट्टी, बाकी मैं लगाने के बाद डालूँगी। और इसमें जो मैंने लीफ कंपोस्ट डाला है उसका यही मेन रीज़न है कि बस जो आने वाली गर्मियों में क्या है मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट रहेगी, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लीफ कंपोस्ट मैंने इसमें मिक्स किया है, और कोई खाद नहीं डाली। तो लीफ कंपोस्ट से ये फ़ायदा रहेगा, बिल्कुल मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी। जब भी पानी देंगे हम तो टाइम लगता है मिट्टी को सूखने में। तो ये देखिए पानी डाल दिया है, तो बिल्कुल मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है मेरी। ये देखिए डालते ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है पानी, नीचे चला गया है, वेल ड्रेन है मिट्टी। तो अब मैं इन कटिंग को निकाल लूँगी इस तरह से टैप करके, और मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं दोनों हाथों का यूज़ करूँगी। तो इस बाल्टी पर मैं इस तरह से टैप करूँगी उल्टा करके, यहाँ पर नीचे एक तरफ एक हाथ लगाऊँगी, एक हाथ से मैं पॉट पकड़ के निकालूँगी इनको। तो फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ मैं। तो पहले थोड़ा सा हम इस तरह से किसी टूल की हेल्प से साइड साइड में मार लेंगे, तो मिट्टी जो है ना गमले के जो चिपकी है वो हिल जाएगी, दूर हो जाएगी, और निकालने में आसानी रहेगी हमको। तो ये जगह छोड़ देगी तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा बस उल्टा करते ही। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने ठीकरी लगाई हुई थी वो यूँ क्यों है, और देखिए इसके रूट्स बहुत अच्छी बनी हैं सारी कटिंग्स की। तो मैं इनको अलग अलग करूँगी, ये देखिए मैंने निकाल लिया, बिल्कुल उल्टा करते ही निकल गया टैप करके। तो ये सारी ठीकरियाँ मैं हटा दूँगी, और मैंने कुछ थर्माकोल के पीस भी डाले हुए हैं। तो ये थर्माकोल के पीस जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं कोई नीचे पॉट में जब हम डालते हैं, एक तो लाइट वेट होता है और रूट्स भी इनमें बहुत जल्दी रूट्स पकड़ लेती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ये। तो मैं तो हर प्लांट में हर गमले में मैं इनको डालती हूँ, तो बहुत बिल्कुल इनको हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। तो साइड साइड से एक एक कटिंग मैं निकालूँगी इस तरह से।
तो यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से मैं बिल्कुल गैप है कटिंग में, सभी कटिंग्स में, तो मैं इस तरह से एक अंगूठे की हेल्प से इस तरह से एक कटिंग को अलग कर लूँगी, दूसरी कटिंग भी ना छिड़े। देखिए यहाँ पे इधर दूसरी कटिंग हिल रही है, तो इसको मैं इस तरह से उंगली से थोड़ा किसी भी टूल की हेल्प से, जैसे ऐसे चक्कू वगैरह की हेल्प से हमें कट करके अलग कर लेना है बस। दूसरी कटिंग भी नहीं छिड़ेंगी इससे, और हमारी बिना रूट छिड़े कटिंग बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए इस कटिंग्स में देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी है, और रूट्स भी हिली नहीं है बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं सारी कटिंग्स को अलग कर लूँगी, तो अलग करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कटिंग मैंने लगा भी दी है जो अलग करी थी, तो बाकी को मैं निकाल लेती हूँ और इनमें लगा लेती हूँ, फिर आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। कुछ नहीं, बस मिट्टी डाल दी मैंने, सूखी मिट्टी देख सकते हो आप ये, तो बाकी सबको भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी कटिंग लगकर हो गई है रेडी। ये देखिए छः कटिंग मेरी थी और छः के छः पॉली बैग मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी अच्छे से, और फिर इनको ऐसी जगह रख दूँगी साइड में अभी कुछ दिन के लिए, और बड़े पॉट की मिट्टी में, जहाँ इनको नीचे से नमी मिलती रहे, नीचे से इनको गर्माहट तपत महसूस ना हो, तो ये बहुत अच्छे से मेरी कटिंग चल जाएंगी, बहुत अच्छे से ग्रो ये हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप कटिंग अभी भी लगा भी सकते हो, और अगर आपने कटिंग लगा ली है तो रिपोर्ट भी कर सकते हो, अभी मौसम थोड़ा ठीक है, क्योंकि आने वाला मौसम जो बहुत गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं रोज़ प्लांट की कटिंग, और रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।